वे उसका उपचार करने लग गए। वे माता 12 वर्ष तक स्वामी को बंद आंखों से अपने पास ही देखती रहती। बारह वर्ष बाद जब स्थिति टूटी तो वे माता ऐसे रोने लगी जैसे उसका सब कुछ लूट गया हो। घर के लोगों ने पूछा तो कहने लगी कि अभी तो स्वामी यहाँ पर बैठे हुए थे और अब उठकर पता नहीं कहाँ चले गए। वे मिलेंगे तभी मेरे को चैन पड़ेगा, वरना मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। घर के लोगों ने दोबारा पूछने पर कि वे देखने में कैसे लगते थे, तो उस माता ने स्वामी की श्री मूर्ति का वर्णन उन लोगों को बतलाया और कहा कि अभी अभी गए हैं। फिर घर के लोग स्वामी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। स्वामी उसी प्रदेश में उन्हें मिल गए। घर के लोगों ने विनंती करके स्वामी को साथ में उस माता के पास ले आए। माता ने स्वामी के श्री चरणों में नमस्कार किया। उसे फिर से स्थिति का आनंद आने लगा। स्वामी रामटेक के इस सुंदर स्थान पर आए। पुराने समय से ही प्रसिद्ध पहाड़ के इस किले में देवता का एक मंदिर है। उसी मंदिर के बाएं हाथ पर स्वामी 10 महीने तक रहे। स्वामी यहाँ पर बैठे हुए थे। भोगराम मंदिर का पुजारी निस्दिन के अनुसार अपने देवता की पूजा करने के लिए आ रहा था। उसने स्वामी को देखते ही पहले स्वामी की पूजा अर्चना की, फूलों के विविध आभूषण अर्पित किए, मंगल आरती धूप आरती की तथा बाद में देवता की पूजा की। स्वामी जब तक यहाँ रहे उस पुजारी का यह नियम प्रतिदिन रहा। पुजारी के जाने के बाद बोनेबाई नाम की माता देवता के दर्शन के लिए आई। उसने स्वामी का दर्शन करने के बाद स्वामी से पूछताछ की, परंतु स्वामी कुछ भी नहीं बोले। देवता के दर्शन करने के बाद उसने जाते हुए स्वामी को भोजन के लिए अपने साथ चलने को कहा। स्वामी ने मान लिया। बाई स्वामी को आसन पर बिठाकर भोजन करवाने लगी तथा भोजन के उपरांत उसने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज, आप जब तक यहाँ पर हैं मैं रोज भिक्षा मांग कर लाया करूँगी, आप उसका स्वीकार किया करें। स्वामी जब तक वहाँ रहे रोज वह बाई भिक्षा मांग कर लाती तथा भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी स्वामी भी भिक्षा के लिए चले जाते। दस महीने रामटेक में रहने के बाद श्री चक्रधर स्वामी मंसर में आए। तब भी भोगराम का पुजारी पहले स्वामी के ओटे को पूजा मंगल आरती धूप आरती करता था, उसके बाद देवता की पूजा करता था। एक दिन एक ब्राह्मण आया, वह स्वामी के ओटे पर बैठ गया। बैठते ही उसको स्थिति सुख का संचार हो गया, असीमित आनंद प्राप्त होने लगा। दूसरे दिन फिर से वह सुबह सुबह आकर उसी ओटे पर बैठ गया जहां स्वामी बैठा करते थे। इतने में पुजारी भी आ गया। उसने निस्दिन की विधि के अनुसार ओटे की पूजा अर्चना शुरू की। तब उस ब्राह्मण ने पुजारी को पूछा, आप ये धूप आरती किसको कर रहे हैं, किसकी आरती उतार रहे हैं? पुजारी ने कहा, यहाँ एक स्वामी बैठा करते थे, तब उनकी आरती उतारा करता था, अब उनके इस ओटे की आरती करता हूँ। अब वे महाराज कहाँ गए? ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक पूछा।
वे पुजारी ने कहा कि अब वह महाराज मंसर की ओर गए हैं। इतने सुनते ही वह ब्राह्मण स्वामी को ढूंढता ढूंढता यहाँ इस स्थान पर पहुंचा। तब भगवान इसी स्थान पर बैठे हुए थे। स्वामी के दर्शन का लाभ प्राप्त होने के बाद उसकी स्थिति और बढ़ गई। उसे पहले से भी अधिक आनंद प्राप्त होने लगा। मंसर में रहते हुए स्वामी ने नई सर्ग की शोभा का अवलोकन किया। यह स्थान एक ऊंचे पर्वत पर है। यहां से ही स्वामी ने बैठकर रामटेक तथा मंसर की ओर देखा। स्वामी मंसर से चलकर भंडारा में पहुंचे। यह बहुत बड़ा गांव था। यहीं पर एक नीलभट्ट भंडारेकार नाम का एक धनवान तथा सुसंस्कृत विद्वान ब्राह्मण रहता था। इसी स्थान पर पहले भंडारेकार का बड़ा मकान होता था। एक दिन श्री चक्रधर स्वामी भिक्षा मांगते मांगते इस घर में पहुंचे। उस वक्त भंडारेकार की पत्नी भंडारेकार के लिए नहाने का पानी गर्म कर रही थी और भंडारेकार बाहर बैठे पोथी खोलकर अपनी शंका के समाधान के लिए पोथी के पन्ने इधर उधर पलट रहे थे। वे अपनी शंका का निवारण करने में मग्न थे। स्वामी सामने खड़े हैं पर उनका ध्यान स्वामी की तरफ न था। स्वामी भिक्षा के लिए आए हुए हैं। भंडारेकार की पत्नी ने स्वामी को भिक्षा दी। अब भी भंडारेकार का ध्यान स्वामी की तरफ नहीं था। थोड़ी देर रुकने के बाद स्वामी ने कहा, भट्टो पिछले पन्ने पर देखो, तुम्हारी शंका का निवारण हो जाएगा। यह कहकर स्वामी वहां से चल दिए। भंडारेकार ने जब पिछले पन्ने पर देखा तो उसको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया तथा उसको अपने मन में यह प्रतीति हुई कि स्वामी ही हमारे सच्चे सहायक हैं, हितकर्ता हैं। ऐसा भाव उसके मन में उत्पन्न हुआ तथा वह जो कपड़े पहने हुए थे उसी हालत में स्वामी के पीछे पीछे चलने लग गया। पत्नी ने कहा, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? भंडारेकार ने कहा, इतने दिन हम तुम्हारे थे, अब जिनके हैं उनके साथ जा रहे हैं। ऐसा एक टुक जवाब देकर सारी मोह ममता को तोड़कर वह स्वामी के पीछे पीछे चलने लगे। स्वामी गांव से भिक्षा मांगकर इस स्थान पर आए। श्री चरणों से ओटे पर पानी डालकर ओटा साफ किया, उस पर भिक्षा का अन्न रखा। भंडारेकार ने अपनी धोती को आधा फाड़कर स्वामी के बैठने के लिए बिछाया। स्वामी उस पर विराजमान हुए, भिक्षा का अन्न ग्रहण किया। बाद में भंडारेकार ने स्वामी का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण किया। बाद में भंडारेकार सोचने लगे कि अरे मैं तो ऐसे ही उठकर आ गया, महाराज घर पर आए और मैं कोई सेवा भी न कर पाया। उसके मन के विचारों को जानकर स्वामी ने आश्वासन दिया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जो मन में सोच रहे हैं वह हम पूर्ण करेंगे, चिंता न करें। यहां पर नरसिंह का मंदिर होता था। इसी स्थान पर स्वामी तथा भंडारेकार ने एक रात्र मुकाम किया। भंडारा से चलकर स्वामी मौदा में पहुंचे। भंडारेकार परछाई की तरह स्वामी के ही साथ रहते। एक क्षण के लिए भी वे स्वामी को भूलते न थे। अब वही स्वामी के लिए भिक्षा मांग कर लाते, आसन शयनासन रचते थे। मौदा में स्थान पर भंडारेकार एक रात स्वामी के शयन के लिए बिस्तर बिछा रहे थे कि बिच्छू ने उन्हें काट लिया। बहुत ही अधिक पीड़ा होने लग गई। जब पीड़ा ज्यादा बढ़ रही थी तो उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मैं आपकी स्तुति करूं क्या? स्वामी ने आज्ञा दे दी और भंडारेकार स्वामी की स्तुति करने लग गए। वे जैसे जैसे स्तुति करने लगे वैसे वैसे जहर कम होने लगा। बाद में भंडारेकार ने स्वामी के श्री चरणों में साष्टांग नमस्कार किया। यह स्तुति स्तवन आज भी
बिंगुले का स्तोत्र नाम से प्रसिद्ध है।